नमस्कार दोस्तों, आज रोज़ के फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस चैनल को खोल के ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, मैं जो जानता था उसी को मैं शेयर करना चाहता था, तो देखा आप लोग मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं भी कोशिश करूँगा आप लोगों को अलग अलग वीडियो बना के अलग अलग प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व करने का। आप लोग अगर कोई कमेंट्स करके बता सकते हैं आप लोगों का प्लान में क्या प्रॉब्लम है नहीं है, तो मैं जो हो सके तो मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसका पहले अगर आप वीडियो में नया है प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, हम लोगों का तो प्लान देखिए आप प्रूनिंग के बाद इतना झाड़ी टाइप का हो गया, इसमें बर्ड्स भी आना चालू हो गया है, तो हम लोगों को अभी क्या करना है। अभी हम लोगों को देखिए इसमें और इतना थोड़ा बर्ड्स लाने से नहीं होगा, हम लोगों को इसमें बहुत सारा बर्ड्स लाना है। मिनिमम 20 से 25 तो बर्ड्स रहना चाहिए। तो जो आ गया है देखिए, तो भी इसमें देखिए 20 तो करीब होगा बर्ड्स। देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सब बर्ड्स है पूरा। देखिए बहुत बर्ड्स आ गया है, लेकिन देखिए इसको और भी झाड़ी करना है। तो हर प्लांट का ग्रोथ एक जैसा नहीं होता है, तो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि जिस प्लांट में प्रॉब्लम रहता है उसी को मैं वीडियो करता हूँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है उसी को हम बता रहा हूँ। देखिए इसमें मैं जितना भी माइट्स का दवा स्प्रे किया हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है असर नहीं करता है, माइट्स तो भी आ जाता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा माइट्स का प्रॉब्लम आ चुका है, तो इसलिए मुझे आपको भी बताना है कि सुपर सोनाटा को आप घुमा फिरा के यूज़ कीजिए। हफ्ता में एक बार सुपर सोनाटा को ज़रूर की स्प्रे करना पड़ेगा। अभी मुझे ये माइट्स से बचने के लिए क्या करना है, तीन दिन छोड़ छोड़ के एक बार करके स्प्रे करना है। साथ में मैं क्या करूँगा, काका को भी स्प्रे करूँगा। एक हफ्ता सुपर सोनाटा, दूसरा हफ्ता में काका, ऐसा करके घुमा फिरा के यूज़ करना है। आपके पास अगर इंटरपीट है तो आप इंटरपीट भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो किया माइट्स का प्रॉब्लम के बारे में। अब बता रहा हूँ इसमें फर्टिलाइज़र क्या देना है। देखिए आप लोग अगर मेरा रूल्स माफी करेंगे तो आपका पीएच बैलेंस जो है मिट्टी का मेंटेन रहेगा। आप लोग देखिए सब लीव्स को ऐसा ग्लेज मारने के लिए क्या करेंगे। देखिए लीव्स को ग्लेज मारने के लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। एक है आपका लीव्स में कोई फर्टिलाइज़र आप स्प्रे नहीं करेंगे, जो भी देंगे आप इस ज़मीन में देंगे, मैंने मिट्टी का टब में देंगे। तो इस सॉइल में देने से क्या होगा, आपका फर्टिलाइज़र जो है वो इधर ही पर रहेगा और अंदर से निकल जाएगा, लीव्स तक उसका ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों क्या करते हैं, धूप का टाइम में भी स्प्रे कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है लिप्स पूरा ख़राब हो जाता है, पीला हो जाता है, दागी आ जाता है। तो मुझे अभी फ्लावर का साथ साथ लिप्स को भी दागी लाना नहीं है। ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप लोगों का काम ही आएगा। देखिए लिप्स में हम लोग कोई भी फर्टिलाइज़र को स्प्रे नहीं करेंगे। ये तो हो गया लिप्स में फर्टिलाइज़र का बात। दूसरा क्या काम करना है, हम लोग को पानी को मेंटेन करके देना पड़ेगा। हम लोग अधिकतर पानी भी नहीं देंगे और एकदम कम पानी भी नहीं देंगे। हम लोग को हमेशा मिट्टी को ऐसा मॉइस्चर रखना पड़ेगा, मिट्टी एकदम भीगा भीगा टाइप का हल्का रहेगा तो उसी में हम लोग का अच्छा रहेगा। तो क्या होगा, देखिए हम लोग अगर ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो इसमें क्या होता है, रूट्स पूरा डैमेज हो जाता है। रूट्स डैमेज होने से प्लांट ख़त्म हो जाता है। ये हम हमेशा वीडियो में बताता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अधिकतर प्लांट मरता है पानी की वजह से। तो मैं अगर ये बात हमेशा बोलता रहूँगा तो मेरा जो उस लोग फॉलो करता है वो लोग क्या करेंगे, पानी का मेंटेन तो थोड़ा समझ समझ के देंगे, तो इसमें प्लांट भी अच्छा रहेगा, सब कुछ भी अच्छा रहेगा। तो अब दूसरा बात क्या करते हैं, देखिए इसका रूट का ट्रीटमेंट को हम लोगों को बंद करना नहीं है, रूट का ट्रीटमेंट हमेशा रहेगा। तो रूट्स का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 12x7 है, ये 12x7 को हम लोग क्या करेंगे, एक बार करके देते रहेंगे। हफ्ता में एक बार होने से भी 12x7 को हम लोग को दे के रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, 12% नाइट्रोजन 61% फॉस्फोरस है। ये 12x7 का साथ हम लोग क्या देंगे, मालूम, मैग्नीशियम सल्फेट। ये मैग्नीशियम सल्फेट को भी हम लोग एक बार करके देते रहेंगे, हफ्ता में एक बार करके। तो इसमें क्या रहेगा, मैग्नीशियम का भी काम बना रहेगा, इसमें मैग्नीशियम का काम बना रहेगा प्लस सल्फेट भी रहेगा। इसमें क्या होगा, ज़मीन का पीएच को भी ये बढ़ने नहीं देगा, ये कंट्रोल में रखेगा। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट का भी बात हो गया है। आप अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप ज़मीन में दीजिए। अब दूसरा बात बोल रहा हूँ, ये तो रूट्स का हो गया है, हफ्ता में एक दिन, फिर तीन दिन का बाद आप गैप दीजिए। अभी ट्रीटमेंट थोड़ा अलग टाइप का चलेगा। तीन दिन का बाद आप गैप देके क्या करेंगे, ये जो 19-19-19 है या 20-20-20 है, ये बैलेंस एनपीके है, इसको आप यूज़ कीजिए। इसको भी आप ज़मीन में दीजिए, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के डाल दीजिएगा। हम जो भी बता रहा हूँ
वो आपको एक ग्राम एक लीटर पानी का हिसाब से बता रहा हूँ आपका। अगर मान लीजिए इस प्लांट में एक लीटर पानी लगता नहीं है, इसमें 400 ml पानी लगेगा, तो आप 400 ml में एक लीटर एक ग्राम गोल के दे दीजिएगा, ऐसा करके कीजिएगा। तो ये भी 19-19 का काम हो गया, ये 3 दिन का बाद देने बोला हूँ। इसको देने से क्या फ़ायदा, इसमें बैलेंस NPK है जी, तो इसमें फॉस्फोरस नाइट्रोजन और पोटास तीनों का काम है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो फ्लावर्स है फ्लावर्स और ज़्यादा ज़्यादा आना चालू होगा, जो छोटा छोटा ब्रांचेस निकल रहा है वो सब तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये भी हो गया, दो काम हो गया। तीसरा काम आपको करना पड़ेगा, उसका 3 दिन का बाद आप दीजिएगा ज़मीन में 13045। इसका भी आप एक माने जितना आपका एक ग्राम जितना पानी में लगेगा उतना ही पानी में दे के आप टब में दीजिएगा। जब पानी में डालेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा इतना ही पानी डालने का, आपको एकदम मेंटेन कर लेना पड़ेगा कि इसमें कितना पानी लगता है। इसमें अगर ज़्यादा पानी नहीं लगता है तो आप ज़्यादा मत दीजिएगा, इतना ही देना जितना आपका टब्स का नीचे से निकल जाए। मैंने क्या किया, यूट्यूब में जब नया नया रोज़ उगाना शुरू किया था तो यूट्यूब में भरपूर फॉलो करता था, बहुत सारे दोस्तों से पूछता था कि कैसा करके रोज़ को उगाना पड़ता है, लेकिन हम देखा है कि कोई ठीक ठाक सजेशन नहीं देता है, जिस कारण से प्लांट मर जाता है। तो मेरे को आप लोग दोस्त भी समझ सकते हैं, भाई भी समझ सकते हैं। आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमको ज़रूर पूछिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का छत में ऐसा फ्लावर हमेशा रहे और रोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि रोज़ सबसे देखने में सुंदर रहता है। और रोज़ करने के लिए सबका इच्छा रहता है मन में, लेकिन करने नहीं सकता है। हम लोग दूसरा का फोटो में देखता है कि बहुत सारा फ्लावर रहता है लेकिन हम लोगों का रहता नहीं, तो इसलिए हम आप लोगों को सजेशन देता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। देखिए मेरा हिसाब से आप लोग चलेंगे तो आपका ज़रूर प्लांट ठीक ठाक रहेगा। ये 13045 को क्या करेंगे, हम भी देने के बाद क्या करेंगे, इसका भी 3 दिन का बाद हो गया तो 9 दिन हो गया, एक दिन 12-12-61, एक दिन 19-19 और एक दिन 13045। फिर 3 दिन का बाद हम लोग क्या देंगे, 3 दिन का बाद हम लोग देंगे सल्फेट ऑफ पोटास, ये है आपका 0050 जिसको कहा जाता है। इसमें भी सल्फर है, इसको भी हम ज़मीन में देंगे, क्योंकि पीएच को हम फिर से बता रहा हूँ, पीएच को बैलेंस को मेंटेन करना है। आप अगर पीएच बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका पीएच बिगड़ जाएगा। इसमें देखिए मेरा लिस्ट में आपको बता रहा हूँ, मेरा लिस्ट में आपका 52-34 नहीं है, तो आप भी काइंडली 52-34 को इसमें मत दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसी को ही दीजिएगा, क्योंकि आप फिर से डाल देंगे, डालने के बाद आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, तो आप बोलेंगे आपका मेरा सजेशन से हुआ है, तो ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको हम बता रहा हूँ, ऐसा करेंगे तो आपका पीएच लेवल ठीक रहेगा, आपका लीव्स जो है ग्रीन रहेगा और आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो ये भी हो गया, तो 12 दिन हो गया, इसको आप रिपीट करते रहिए जब तक सीजन ख़त्म नहीं हो रहा, फ्लावर का सीजन आपका प्लांट में फ्लावर आ जाएगा, उसका बाद भी आप इसी को ही कंटिन्यू करते रहेंगे। अब आप बोलेंगे लीव्स में क्या स्प्रे करना है, तो लीव्स में एक ही चीज़ हम लोग स्प्रे करेंगे, वो है इंसेक्टिसाइड। ये हम लोग शाम का टाइम स्प्रे करेंगे, शाम का टाइम मतलब अंधेरा होने के बाद नहीं करेंगे हम लोग, 4 से 4:30 बजे का बीच में करेंगे, उजाला रहते रहते, क्योंकि शाम का टाइम करने से क्या होता है, ओस गिरेगा, ओस गिरने से इसका काम उतना काम नहीं कर सकेगा। तो इसको भी हम लोग को करना है, सुपर सोनाटा को करना है हफ्ता में एक बार, और साथ में क्या करना है, कॉन्फिडर को देना है या रोगोर, जो जो आपका पास है इंसेक्टिसाइड का लिए, आप जो मेडिसिन खरीद के लाए उसी को आप स्प्रे कीजिएगा माइट्स का थीप्स का कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा करके आपको घुमा फिरा के करना है। आप अगर नहीं समझ सके तो आप कागज़ में लिख लीजिए, आपको हिसाब समझ में आ जाएगा। आप एक बार दो बार करते करते आपका आदत हो जाएगा। देखिए तीसरा काम क्या करना है, हम लोग को फंगीसाइड, फंगीसाइड अभी हम लोग को देना नहीं है क्योंकि ठंडा काल आ गया है, ठंडा में फंगीसाइड का काम उतना नहीं चलता है। आप मैं ये तो मैं आपको सैप दिखा रहा हूँ, आप इस रोडोमिल गोल भी यूज़ कर सकते हैं महीने में एक बार। आप फंगस लगेगा तो आप फंगीसाइड स्प्रे कीजिए, और नहीं लगा तो आपको महीने में एक ही बार करना है। अब महीने में एक बार क्या करेंगे, कभी रेडोमिल गोल करेंगे, कभी साफ करेंगे, कभी M45 करेंगे, आप घुमा फिरा के करते रहिए, कभी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कीजिए, ऐसा करके घुमा फिरा के करते रहिए। और फंगस आने के बाद आप हमको कमेंट्स में बताइए क्या फंगस लगा है, मैं आपको बता दूंगा कि क्या फंगस का क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों को ये तो हो गया था फंगीसाइड का भी काम, साथ में एक तो वाइटल काम करना पड़ेगा आपका पास, अगर ग्रैनुअल का माइक्रो न्यूट्रन है तो आप ज़मीन में दीजिए, अरे अगर ग्रैनुअल का माइक्रो न्यूट्रन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपका पास जो लिक्विड माइक्रो न्यूट्रन है उसको हफ्ता में एक बार आपको ज़रूर देना पड़ेगा। अब लिक्विड तो आप स्प्रे करना ही पड़ेगा आपको, तो आप क्या करेंगे, सुबह भोर का टाइम उठ के इसको स्प्रे कर दीजिएगा, धूप का टाइम मत कीजिएगा।
तो माइक्रो न्यूट्रन का भी काम हो गया। माइक्रो न्यूट्रन भी जब खरीदेंगे तो कोशिश कीजिएगा ऐसा माइक्रो न्यूट्रन लेने जिसमें आपका कॉपर भी रहे, आयरन भी रहे और जिंक भी रहे, सब चीज़ रहना चाहिए। बोरोन भी साथ में रहना चाहिए क्योंकि बोरोन का भी काम अभी हम लोगों का महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्लावर को ओरिजिनल साइज और कलर लाने के लिए बोरोन को हम लोग को बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि बोरोन हम लोग अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो इसका कलर ठीक ठाक नहीं आएगा। हम अलग से बोरोन देने नहीं बोल रहा हूँ, मैं माइक्रो न्यूट्रन ऐसा खरीदे जिसमें बोरोन रहेगा। तो इसी करके आप अगर ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो आपका प्लांट जरूर ठीक रहेगा और फ्लावर भी ज़्यादा ज़्यादा आएगा। अब आप लोग बोलेंगे तो इतना हो गया है तो इसमें हम लोग पीजीआर नहीं डाल रहा हूँ। हाँ, पैना में एक बार आपको पीजीआर देना पड़ेगा। पीजीआर में आप क्या यूज़ करेंगे, अब मीराकुलन यूज़ कीजिए। 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के अच्छा से स्प्रे कर दीजिए भोर का टाइम को। मीराकुलन करने से क्या होगा, आपका फ्लावर का संख्या बहुत बढ़ जाएगा और छोटा प्लांट में भी आपका अधिकतर फ्लावर आना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग को देखिए प्लांट को भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, अभी हम लोग को फ्लावर लेना है। फिर प्लांट जब बड़ा होने का टाइम आएगा तब हम लोग प्लांट को बड़ा करेंगे, अभी हम लोग को छोटा प्लांट में भी फ्लावर लेना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लावर होने के बाद फिर हम बताएंगे कि कैसा करके आप कटिंग करेंगे फ्लावर को। तो ठीक है, ऐसा करके करते रहिए, आपका प्लांट जरूर ठीक रहेगा। और आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।